السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. हर किस्म की तारीफ और हमद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लायक और ज़ेबा है, जो सारी कायनात का एक व तन्हा खालिक मालिक मुरब्बी और मुंतज़िम है, जो सारी कायनात का बनाने वाला, सारी कायनात के इंतज़ाम को संभालने वाला, सारी कायनात की हिफाजत करने वाला और हर मखलूक की ज़रूरतों का पूरा करने वाला है। हर किस्म की तारीफ के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात है। दरूद व सलाम हो अंबिया इकराम पर, जिन्हें इंस और जिन की रुश्त हिदायत के लिए, उन्हें सही रास्ता और जिंदगी जीने का तरीका बताने के लिए, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारफत कराने के लिए, दुनिया और आखिरत की हकीकत से आगाह करने के लिए महबूस फरमाया गया। और अंबिया इकराम ने इस रिसालत के मनसब को बखूबी अंजाम दिया, उस हक को अदा किया। खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतन लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अहले बैत पर और सहाबा इकराम पर। मौजूदा सामिन इकराम, आज इंशाअल्लाह ताला सूरह नूर का आगाज होगा। सूरह नूर मदनी सूरत है, मदीना में नाजिल हुई। नूर सूरह नूर की ही आयत नंबर 33 से इस नाम को लिया गया है, आखस किया गया है, निकाला गया है, जिसमें अल्लाह फरमाता है अल्लाह नूरु समावाती वल अर्द। नूर रोशनी जिससे तारीखियां दूर होती हैं, जिससे अंधकार अंधेरा जुल्म बुराइयां दूर होता है, जुल्म का जहालत का बुराइयों का बर्बरियत का कितना ही गहरा अंधेरा क्यों ना हो, अल्लाह की वही की नूर की एक छोटी सी रोशनी, एक छोटी सी लाइट, एक छोटी सी रोशनी ही घंघोर अंधेरे को फाड़ करके रख देती है। तो नूर रोशनी जिसमें तारीखियां दूर होती हैं, यह अल्लाह की तरफ से आई हुई रोशनी है, यह रब की रोशनी है। ये जो नूर है ये वही है, ये वही अल्लाह के तरफ से आई हुई वही है, ये अल्लाह के तरफ से आया हुआ नूर है, ये रब की रोशनी है जिसमें तारीकी दिल रोशन होते हैं, जिससे तारीक दिल रोशन होते हैं, जिससे रहन सहन के ढंग आ जाते हैं, जिससे जमीन के बाशिंदे आसमानी जिंदगी को सीख जाते हैं, यानी आसमानी लाइफ स्टाइल को सीख जाते हैं, जिससे जमीन के बाशिंदे आसमानी जन्नत के लिए तैयार हो जाते हैं। ये रब की रोशनी है जिसमें ठंडक है,
जिसमें मिठास है, जिसमें सुकून है, जिसमें इत्मीनान है। आओ ये रोशनी दिलों में बसा लें, आओ घरानों को रोशन कर लें, आओ रोशनियों को रोशनियों के मुसाफिर बन जाएं, आओ ये रोशनी पूरे जहान में फैला दें, जमीन को रब की रोशनी से भर दें, आओ जिंदगी को मुनव्वर कर लें। रोशनी ही तो जिंदगी है, इस रोशनी के साथ कब्र में रहना है, इस रोशनी के साथ मैदान महशर में रास्ता तलाश करना है, इसी रोशनी के साथ पुल सिरात का सफर है, इसी रोशनी से जन्नत, यही रोशनी जन्नत तक ले जाने वाली है। बहुत दूर हमें जाना है, आइए इस रोशनी की तरफ जो खालिक कायनात की तरफ से बहुत ही अजमत और बहुत ही एहसान के साथ हमारे ऊपर नाजिल की गई। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहसानों में, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बड़े एहसानों में एक एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम से हमें नवाजा, अपनी रोशनी से हमें नवाजा। सूरह रहमान में अल्लाह फरमाता है, अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमाउल बयान। चार छोटी की नेमतों का अल्लाह ने जिक्र किया, बड़ी नेमतों का जिक्र किया। और रहमान अल्लाह की जो सिफात है उसमें सबसे कीमती सिफत इस दुनियावी एतबार से हमारे लिए कि हम गुनहगार हैं, अल्लाह की कई नाफरमानियां कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका रहम हर किसी के ऊपर बना हुआ है, हर किसी के ऊपर एक जैसा उसका रहम बना हुआ है। कोई मुनाफिक है, काफिर है, मुशरिक है, मोमिन है, हर किसी के ऊपर। तो ये रहम की सिफत अल्लाह ने लाया जो सबसे बड़ी सिफत इस दुनियावी एतबार से हमारे लिए। और रहमान अल्लमल कुरान, अब जो नेमतें हमें दिया उसमें सबसे बड़ी नेमत कि हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, हमें इस दुनिया को सक्सेस करने के लिए, कामयाब करने के लिए, इस दुनिया में सुकून और इत्मीनान को हासिल करने के लिए, और इस दुनिया के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेकोकार लोगों के साथ रहने के लिए, और अल्लाह की रजा को राजी, अल्लाह की रजा को पा लेने के लिए और जन्नत में दाखिल कर लेने के लिए अल्लाह ने हमसे कलाम किया, हमें खुद समझाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें खुद सही रास्ता बताया कलाम के जरिए से। तो दूसरी नेमत जो सबसे बड़ी, एक तो वो खुद हमारा खालिक और उसके बाद उसका कलाम। देखिए दो चीजें दुनिया के अंदर, एक है खालिक और दूसरा है मखलूक, और ये कुरान ना खालिक है ना मखलूक है। तो खालिक के बाद खालिक के कलाम का दर्जा और उसके बाद फिर मखलूक है। तो अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये कुरान अल्लाह की एक ऐसी नेमत है कि जिसके जरिए से तारीख दिन रोशन होते हैं, जिसके जरिए से जुल्म और सितम का माहौल खत्म होता है, जिसके जरिए से इंसानियत माशरे के अंदर जन्म लेती है, जिसके जरिए से सुकून और इत्मीनान और पीस इस दुनिया के अंदर आ सकता है और आया है। तो अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, और जो मखलूक अल्लाह ने बनाया उसमें आला और अरफा बेहतरीन मखलूक का अल्लाह ने जिक्र किया। अल्लमल खलकल इंसान कि अल्लाह ने तखलीक किया इंसान की, इंसान को बनाया। गौर करें कि कैसा इंसान बनाया, क्या खूबियों का मालिक है ये, और इसका जिस्म कैसी खूबियों का मालिक है। और इंसान, इंसान के अंदर जो सबसे अजीम नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी उनमें से एक नेमत का जिक्र किया, अल्लमाउल बयान, उसे बयान करने की सलाहियत दिया, यानी अपने एहसास को रखने की सलाहियत दिया, अपने जज्बात को पेश करने की सलाहियत दिया। ये सलाहियत, ये जुबान की सलाहियत, ये अपने एहसास को बयान करने की सलाहियत, कहां इसको सर्च करना है, कहां इसे खर्च करना है, कहां इसका इस्तेमाल करना है। तो फिर पढ़िए सूरह रहमान को, और रहमान अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ बयान करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत, अल्लाह की पहचान उसकी मखलूक को कराए, अल्लाह की वहदानियत की
कि दावत लोगों तक पहुंचाए, इससे अजीम और कोई काम नहीं हो सकता इस जबान का, इस जबान का। और रहमान किसके जरिए से पहुंचाए? अल्लमल कुरान, कुरान के जरिए से पहुंचाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बारहा इस बात को फरमाया कि नबी मुकर्रम कुरान सुनाइए, तकरीबन 16 मकाम पर। किसको? खलक इंसान, इंसान तक इस पैगाम को पहुंचाइए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी दुनिया तक, पहले हमारे दिल को हम इस नूर से रोशन कर दें और फिर इस नूर से अपने घर को रोशन करें, अपनी खानदान को, अपने माशरे को, और इस नूर से सारे जहान को हम रोशन कर दें। ए अल्लाह इस छोटी सी खिदमत को हमसे कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हमें इस लायक बना दे कि हम इस नूर को अपने दिल में समो सकें, इस नूर के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें, इसकी रोशनी में जिंदगी गुजार सकें और इसकी रोशनी में जिंदगी गुजारते हुए लोगों तक इस नूर को, इस रोशनी को पहुंचाएं ताकि सारा मुआशरा रोशन हो जाए, सारा मुआशरा तारीखियों से दूर हो जाए, सारे मुआशरे से शिर्क, कुफ्र और जुल्म, इंसानियत के ऊपर जुल्म, ये सब खत्म हो जाए, मुआशरे के अंदर एक ठंडक आ जाए, एक मिठास आ जाए, एक सुकून आ जाए, एक इत्मीनान आ जाए। ए खालिक हमसे इस, हमें इसकी इसकी तौफीक दे दे, हमें इस लायक बना दे। मौजूदा सामीन, सूरह नूर मदीना में नाजिल हुई और ये गजवे खंडक यानी गजवे अहजाब जो 5 हिजरी में हुआ, इसके बाद गजवे बनू मुस्तलक जो 6 हिजरी में हुआ उसके बाद नाजिल हुई। गजवे बनू बनी मुस्तलक जो 6 हिजरी में हुआ उसके बाद नाजिल हुई। गजवे बनू बनी मुस्तलक में के बाद या उसमें एक बहुत बड़ी साजिश मुनाफिकों की तरफ से की गई। मुनाफिक वो जिनको दीन के अंदर शक होता है, अल्लाह पे शक या कयामत पर शक, मरने के बाद की जिंदगी, नबी पर, कुरान पर शक, जो झूठे इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं, क्योंकि शक है तो झूठे दाखिल होते हैं, इस्लाम से कुछ फायदा लेने के लिए, मुसलमानों से कुछ फायदा लेने के लिए, या इस्लाम को और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, इन्हें मुनाफिक कहते हैं। तो मुनाफिकों ने दो बहुत बड़ी साजिश की, एक साजिश, और ये दोनों साजिश में कई हद तक कामयाब हुए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा हक की जीत करता है, जीत हमेशा हक की होगी, सच की होगी। तो एक साजिश इन्होंने की कि मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश की, सहाबा इकराम के अंदर फूट पैदा करने की कोशिश की, मक्की और सहाबी मुहाजिर और अंसार उनके बीच में, और अंसारों के आपस में जो कबीले थे उनके बीच में, या मक्का के लोगों के अंदर के आपस के जो कबीले थे उनकी पुरानी लड़ाइयों और पुरानी रंजिशों को सामने लेकर के आए कि देखो इन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। मुनाफिकों की एक चाल यह भी होती है कि पुराने, जिसको हम कहते हैं गड़े हुए मुर्दे, उसे उखाड़ना। अरे पुराने जमाने के वो बुरे आमाल थे, आपस की लड़ाइयां थी, आपस की रंजिशें थी, अब तो वो खत्म हो गया, अब तो साले मुसलमान हो गए, इनके दिल मिल चुके हैं, लेकिन उन्होंने फूट डालने के लिए उन बातों को याद दिलाया जिससे फौरी तौर पर सहाबा इकराम भी मुतासिर हो गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के उन्हें समझाया, उन्हें वाज नसीहत की कि तुम दौरे जहालत की चीजों को क्यों निकालते हो, और इस तरीके से वो मामले को खत्म किया गया। लेकिन इनकी नफरत की आग, इस्लाम के खिलाफ नफरत की आग अभी बुझी नहीं। ये लौटते में इन्हें एक हिला मिल गया, एक बहाना मिल गया, और वो अजीम शख्सियत उम्मत की मां, मोमिनों की मां, उम्मेहातुल मोमिनीन मां आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के ऊपर इन्होंने तोहमत लगाई, तोहमत लगाने की कोशिश की, जिसे वाकया इफ्क कहा जाता है यानी बहतान। तो वाकया इफ्क भी, इफ्क भी इसके अंदर आएगा इंशाल्लाह ताला। तो सूरह नूर, सूरह निसा, सूरह अहजाब, ये इसमें औरतों के खुसूसी मसाइल हैं। हजरत उमर फारूक ने अहले कूफा की तरफ एक खत तहरीर किया, यानी खत लिखा, तहरीर किया कि अपनी औरतों को सूरह नूर सिखाओ।
سورہ نور یا سورہ نساء احزاب اس کے اندر عورتوں کے خصوصی مسائل سے مراد کیا؟ عورتوں کے مقام و مرتبے کو بتایا اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ کہ ان کی عزت کی کیا وقت ہے اللہ رب العزت، ان کی عظمت کی کیا اللہ رب العزت کے پاس حیثیت ہے. آپ دیکھیں گے عقل حیران ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت نے کسی خاتون کے اوپر اگر کسی نے تہمت لگا دی ہے تو اللہ رب العزت کس قدر غضبناک ہوتا ہے. تو انسانیت کے یا عورت کے مقام و مرتبے کو اللہ رب العزت نے بہت واضح انداز میں پیش کیا. وہ لوگ جو صرف زبان کو اٹھا کر کے تالو سے لگا لیتے ہیں انہیں اس سے بہت زیادہ عبرت اور نصیحت ملے گی کہ ہم جو بھی زبان سے نکالتے ہیں فرشتے اسے نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. یہ کسی خاتون کے اوپر الزام لگا دینا یا کچھ کہہ دینا یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. اور خصوصی مسائل سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف عورتوں کے ہی مسائل ہیں، جہاں پہ عورتیں ہوا کرتی ہیں وہاں پہ مرد بھی ہوا کرتے ہیں. لباس انہندہ لباس اللہ نے کہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کا لباس ہے، تو اگر کوئی غلطیاں خواتین سے ہوئی ہے تو اس میں مرد بھی شامل ہیں. تو جہاں پر ان غلطیوں کی جو غلطیاں مرد سے اور عورتوں سے ہوئی ہیں اس پر بھی اللہ رب العزت نے شرزنس کی ہے، اس میں بھی پکڑ کی ہے، اس میں بھی واعظ و نصیحت فرمائی ہے. یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کی تعریف کے تعلق سے آپ خود اس آیت کے اندر دیکھ سکتے ہیں جو سورہ نور کی پہلی آیت ہے. آیت اس طرح، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود سے. شیطان سے بچنے کے لیے اور کوئی ہیلہ نہیں ہے، کوئی اور راستہ اور کوئی طریقہ نہیں سوائے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہی ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں. اور یہ عظیم کام، اور جس سے عظیم کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ ہم خالق کائنات کے فرمان کو سمجھیں، اس کے احکام و مسائل کو جانیں، اس کے عوامر اور نواہی کو جانیں، اس کے حکم کو جانیں، اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں ہو سکتا. جس کام کے لیے سب سے عظیم ہستی کو اللہ رب العزت نے چنا، رحمت للعالمین امام العالمین کو چنا کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ، اور فرشتوں کے سردار کو چنا کہ اس پیغام کو لے جا کر کے آخری نبی نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری انسانیت اور قیامت تک آنے والی انسانیت کی طرف اللہ رب العزت نے یہ عظیم کام کیا پہنچایا. تو یہ قرآن، اس سے عظیم اور کوئی کام نہیں ہو سکتا جو ہمارے لیے روشنی ہے، جو ہمارے لیے نور ہے، جو ہمارے لیے صحیح اور غلط، حق اور باطل کو پہچان اور اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. تو اس کام کو کرتے وقت شیطان ضرور حاضر ہوگا، وہ ہمیں پرزور کوشش کرے گا، ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کرے گا کہ اس روشنی سے یہ رک جائے. شیطان ہے ہی اندھیرا، اس کے کام، اس کی سوچ اور اس کا ٹھکانہ سب اندھکار، اندھیرا ہی اندھیرا. تو وہ لوگوں کو روشنی سے نکال کر کے اور اندھیرے کی طرف لے کر کے جاتا ہے. اور اللہ ولی السماوات والارض، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مومن کی وقت اللہ نے بتائی کہ مومن اللہ رب العزت کا دوست ہے. ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ رب العزت اسے ظلمات سے یعنی اندھکار سے، تاریکیوں سے، ایک نہیں تاریکیوں سے نور کی طرف لے کر کے جاتا ہے. تو اس نور کی طرف جب بندہ جاتا ہے تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے اور اپنے اندھیرے کی طرف لے کر کے آتا ہے. اس تعلق سے ایک حدیث بہت پیاری یاد آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، اس وقت کا ایک جھوٹا شخص اور سب سے بڑا جھوٹا شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بالکل اندھیرا ہوتا ہے اور اس اندھیرے میں میرے طرف وحی آتی ہے.
तो क्या पता चला कि शैतान अपनी बात जब अपने कारीन को, अपने मानने वाले को, अपने चाहने वाले को बताता है तो वो अंधेरे में बताता है, क्योंकि वो खुद अंधेरा, उसका पैगाम भी अंधेरा, उसकी दावत भी अंधेरे की तरफ, और वो अंधेरे की तरफ बुलाता है और वो अंधेरे में ही वही भी करता है, यानी उससे अपने पैगाम को पहुंचाता है। और दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब वही आती तो रोशनी में आती, नूर में आती। और वही के आपने कई भी अकसाम पढ़े होंगे। तो बहरहाल जब हम कुरान पढ़े तो आउज बिल्लाह इब्ने शैतान रजीम पढ़े, इससे, इस मर्दूद से अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह में आए, अल्लाह हमें सबको शैतान से बचा ले। वो जब कुरान की मजलिस होगी, जब आप कुरान सीखने के लिए आएंगे तो वो चारों तरफ से अटैक करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बचा ले और इस कलाम तक हमें पहुंचा दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, सबसे अजीम काम सबसे अजीम के नाम से, सबसे अजीम काम के लिए सबसे अजीम का साथ, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के साथ। और वो अल्लाह कैसा, अर रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह हिर रहमान रहीम, वो रहमान है और रहीम है। ए अल्लाह, हम तेरे नाम के साथ इस कलाम की आगाज कर रहे हैं। ए अल्लाह, इस कलाम को सिखा दे, इस कलाम को समझा दे, इस कलाम को का नूर हमारे दिल के अंदर मुनव्वर कर दे, इस कलाम की रोशनी से हमारी आंखों में ठंडक अता फरमा दे, इस कलाम को लोगों तक लेकर के जाने वाला बना दे, इस कलाम से दुनिया के अंदर रोशनी करने वाला बना दे। बिस्मिल्लाह हर रहमान रहीम, ए अल्लाह तू रहमान है, ए अल्लाह तू रहीम है, ए अल्लाह तेरी रहमत का और तेरे रहम होने, रहीम होने का और तेरे करीम होने का वास्ता, और रहमान रहीम, ए अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है। आयत नंबर एक, सूरतुन अंजलनाहा व फरदनाहा व अंजलना फीहा आयातिन बय्यनातिन बय्यनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। ये एक सूरत है, सूरतुन, ये एक सूरत है, सूरत जैसे हम देखते हैं अलग अलग सूरतें हैं, 114 सूरतें हैं, उसमें से एक सूरत है। कहां से आई, कैसे आई, अंजल ना हो, इसे नाजिल किया, अंजल ना हो ना कि जमीर जो है वो अल्लाह की तरफ जा रही, अल्लाह ने नाजिल किया, अंजलनाहा, हा की जमीर अल्लाह की तरफ, अंजलना अल्लाह ने नाजिल किया। तो क्या और सूरतें अल्लाह ने नाजिल नहीं किया, और सूरतें भी अल्लाह ने नाजिल किया, ये सूरत भी अल्लाह ने नाजिल किया, इस सूरत के साथ खास एहतमाम की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है, ये कहकर इस सूरत के साथ खास एहतमाम की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है, हमारी तवज्जो की जा रही है कि इसके अंदर बहुत अहकाम, बहुत अहम अहकाम बयान किए जाने वाले, यानी इसके अहकाम, अहकामात को उजागर करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, इसके अहकामात को उजागर करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। वरना हर सूरत अल्लाह की तरफ से, जैसे आप देख सकते हैं एक जगह और अल्लाह फरमाता है कि हमने 7 आयतें दी और कुरान दिया, तो क्या ये 7 आयतें कुरान का हिस्सा नहीं है, ये 7 आयतें भी कुरान का हिस्सा है, लेकिन उन 7 आयतों की अहमियत बताई जा रही है कि कुरान के ऊपर इसकी कितनी बड़ी अहमियत। और वो 7 आयतें सूरह फातिहा, सूरह फातिहा के ताल्लुक से हम बारहा पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह ही की तरफ से, लेकिन इसके अहकाम को उजागर करने के लिए ये बात कही गई, सूरतन अंजलनाहा, ये नाजिल किया अल्लाह की तरफ से, व फरदनाहा, और ये फर्ज किया गया, मतलब इसके जो अहकामात हैं वो फर्ज हैं। तो क्या इसके अहकामात साफ तौर पर हैं या मुबहम तौर पर हैं? तो इसके अहकामात बहुत वाज़े हैं। सबसे पहले वह फर्ज ना हो को हम समझते हैं, इमाम बुखारी ने इसके लिए एक हदीस लेकर के आए हैं, बहुत प्यारी हदीस, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4745। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि जिन लोगों ने इसे फर्ज ना पढ़ा है तो उसकी
قرآت کے مطابق اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے اس کے احکامات تم پر اور تمہارے بعد آنے والے لوگوں پر فرض قرار دیا ہے۔ تو اس کے احکامات ہم پر اور ہمارے آنے والی نسلوں پر اور قیامت تک آنے والے انسان پر اللہ رب العزت نے فرض کر دیا ہے۔ اور احکامات سمجھنے کے لیے کیا بہت مشکل ہے یا بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا؟ تو اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَاهَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اسے واضح آیتوں میں نازل کیا، بینات، صاف ستری واضح آیتوں میں اللہ رب العزت نے اسے بیان فرمایا، یعنی آپ احکام کو پڑھیں گے اور بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک بہت کم علم رکھنے والے شخص کے بھی سامنے آپ پڑھیں گے وہ بات کو سمجھ جائیں گے کہ ہاں الزام لگانا کیا ہے اور زانی کو کیا سزا ہوگی اور فلا کیا ہوگا فلا کیا ہوگا، معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، خواتین کے مقام کیا ہے، مردوں کے مقام کیا ہے، اور ظالم کے لیے کیا سزا ہے، اور اس ظلم کو کس طریقے سے روکا جائے گا، اس معاشرے کے اندر سے برائی کو نکالنے کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہے۔ جیسے پڑھیں گے بات سمجھ میں آتے چلے جائے گی کہ معاشرے سے برائیوں کو کس طریقے سے ہٹایا جا سکتا ہے، اس کے اندر ایک صالح معاشرہ کس طریقے سے تشکیل دیا جائے گا۔ یہ سب کیوں نازل کیا؟ سمجھ گئے ہم کہ یہ سورت ہے، اسے اللہ نے نازل کیا ہے، یہ احکام فرض ہیں اور یہ واضح بھی ہیں، صاف صاف سمجھ جانے والے بھی ہیں، لیکن ہیں کیوں؟ نزول کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ تو اس کلام سے نصیحت حاصل کرنا ہے، سبق حاصل کرنا ہے، بغیر سمجھے نہیں پڑھنا ہے۔ اگر بغیر سمجھے پڑھیں گے تو کیا نصیحت حاصل کر پائیں گے؟ کیا سبق حاصل کر پائیں گے؟ عربی میں ایک بار نہیں، ایک ہزار بار پڑھنے آپ کو ثواب ملے گا کیونکہ خالق کا کلام ہے، لیکن زندگی کے اندر روشنی نہیں آ سکتی، زندگی کے اندر بدلاؤ نہیں آ سکتا جب تک ہم اس احکام کو سمجھے نہ، جب تک ہم اس احکام کو جانے نہ، جب تک ہم اس سے نصیحت اور وصیت حاصل نہ کریں۔ اور کیا احکام! اللہ اکبر! اس کے اندر ایسے احکام کہ ایک شخص کی ذاتی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی کے تعلق سے بہت سے آداب اس کے اندر سکھائے گئے ہیں۔ وہ آداب اور وہ ادب جس پر ایک خاندان، ایک معاشرے، ایک خوشحالی اور فلاح اور کامیابی انحصار ہے، ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے انتہائی ضروری احکامات اس کے اندر بیان کیے گئے۔ انسانی نسل کو کس طریقے سے بچایا جا سکتا ہے یا انسانی نسل کو کس طریقے سے عزت کی نظر کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے وہ بیان کیا گیا۔ انسانی نسل کی بربادی ہے زنا سے، کیونکہ زنا سے ہونے والی اولاد وہ نہیں جانتی کہ وہ کس کی اولاد ہے، اور ایک زانی زنا سے پیدا ہوئی اولاد اس کا کیا حال ہوگا جب لوگ اس سے پوچھیں گے تمہارا باپ کا نام کیا ہے؟ تو زنا سے ہونے والے نقصانات، انسانی زندگی کے اوپر اس کے پڑنے والے اثرات، خواتین کی زندگی میں پڑنے والے اثرات، مرد کی زندگی میں پڑنے والے اثرات، معاشرے کے اندر پڑنے والے اثرات، وہ بے حیائی اور بے فحاشائی معاشرے کے اندر پھیلنے سے معاشرے کے اندر بگاڑ، یہ سارے احکامات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور اسے صاف کیا گیا ہے کہ اس طریقے سے یہ معاشرہ صاف ہوگا، اس طریقے سے یہ معاشرہ ایک صالح معاشرہ بن سکتا ہے۔ اس کے اندر آپ بار بار دیکھیں گے حدود کے بارے میں بیان کیا گیا، حدود اللہ، اللہ کی حد۔ تو حدود اللہ کیا ہے اس کو نوٹ کر لیں تاکہ آگے آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ بغیر تمہید کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرمائی، وہ تو میں نے اتنا لمبا آپ کے سامنے تمہید پیش کیا تاکہ اس کی عظمت
इस सूरत की अजमत हमारे जहन के अंदर आए। और इस क्लास में मेरी बहनें ही ज्यादातर हैं, भाई भी हैं, तो हम समझें कि हम अपने आप को, अपने घर को, अपने खानदान को, अपने मुआशरे को किस तरीके से पुरअमन बना सकते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़े तौर जैसी आयत शुरू हो रही है वैसी अहकामात शुरू कर दिया, क्योंकि इसकी अहम जरूरत है। इसके बगैर आप एक अच्छा मुआशरा नहीं तश्कील कर सकते। तो अहकामात आना दूसरी आयतों में, दूसरी आयत से, पहली आयत से शुरू हो गए और दूसरी आयत के अंदर जानी के हुदूद के ताल्लुक से बात शुरू होगी। तो हद किसको कहते हैं? नोट करें, अल्लाह ताला ने जिन कामों को हराम करार दिया है, हद की डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, उसकी तारीफ, उसकी परिभाषा, अल्लाह ताला ने जिन कामों को हराम करार दिया है, जिनसे लोगों को, जिनसे लोगों को मारकर यानी कोड़े वगैरह से मारकर या कत्ल के जरिए से बाज रखा जाए यानी रोका जाए, बाज रखा जाए, हद यानी अल्लाह ने खुद, और यह हद अल्लाह ने खुद मुकर्रर किया है, यह हद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद मुकर्रर किया, इसलिए हुदूदुल्लाह कहते हैं, अल्लाह की हद। जैसे कत्ल, कत्ल की हद यह हराम काम है और इस काम से रोकने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हद कायम किया है, इसको रोकने के लिए, इस बुराई को रोकने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हद कायम किया है वो है कत्ल, कत्ल की सजा कत्ल। तो जब कत्ल की सजा कत्ल मुआशरे के सामने, लोगों के सामने दी जाएगी, तो फिर वो दोबारा उस जुर्म को करने के लिए आदमी डरेगा। इसी तरीके से जिना की हद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकर्रर की है, गैर शादीशुदा के लिए अलग, शादीशुदा के लिए अलग। इस तरीके से चोर की सजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकर्रर की है, हद जिसको कहते हैं, और कजफ की, कजफ बहतान तराशी, एक आजाद और नेक खातून के तरफ जिना की तोहमत लगाना, बदकारी की तोहमत लगाना, तो ये है हद जो अल्लाह रब्बुल इज्जत नाजिल करता है हराम चीजों से रोकने के लिए, मार के जरिए या कत्ल के जरिए। ये दो चीज को हम इसको जरूर नोट करेंगे, मार के जरिए या कत्ल के जरिए। तौबा से नहीं चलेगा काम, सिर्फ तौबा से काम नहीं चलेगा, या कोई फिदिया दे करके, जकात दे करके, फला देके, फला देके नहीं चलेगा, इसकी मार ही होगी, और या अगर कत्ल है तो कत्ल होगा, या जानी है तो कत्ल होगा। इसी तरीके से एक दूसरा लफ्ज आता है ताजीर, आपने सुना होगा ताजीरात हिंद दफा 210 के तहत या 110 के तहत यह सजा सुनाई जाती है। तो ताजीर क्या है, इसको नोट करें, इसकी परिभाषा, इसका तारीफ, वो सजा जो अल्लाह ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं मुकर्रर की, जैसे फिर से समझे, वो सजा जिसमें मारपीट, ये सजा कैसी, ये सजा ऐसी मारपीट कोड़े वगैरह से, ताना जनी से, तानो तशनी करके, या जिला वतनी से, जिले से बाहर करके सजा दी जाती है, बायकॉट किया जाता है, जुर्माना उसके ऊपर मुकर्रर किया जाता है, किसमें, ये ताजीरात में। लेकिन क्यों मुकर्रर होता है, कौन करता है, जो अल्लाह ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं मुकर्रर की, बल्कि काजी वक्त जुर्म की नौयत को देखते हुए, कौन, काजी वक्त, वक्त का जज, जो किताब सुन्नत का इल्म रखता है, तो काजी वक्त जुर्म की नौयत, जो क्राइम हुआ है उसकी संगीनी को देखते हुए खुद मुतय्यन करता है, क्योंकि इसकी हद अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से, इस क्राइम की, इस जुर्म की हद अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से नाजिल नहीं हुई, तो इसको इख्तियार दिया गया है काजी को कि वो किताब और सुन्नत की रोशनी में वक्त और हालात को देखते हुए, मुस्लिम की कंडीशन को देखते हुए, जुर्म की कंडीशन को देखते हुए,
हालात की कंडीशन को देखते हुए वो जो है ताजीर को जो है तय करेगा, और ताजीर जो वो तय करेगा वो मारपीट भी तय कर सकता है, तानो तशनी भी तय कर सकता है, जिला वतनी भी कर सकता है, बायकॉट भी कर सकता है और जुर्माना भी तय कर सकता है। तो ये वो ताजीर होती है, ये वो ताजीर होती है जिस नाफरमानी की सजा शरीयत ने मुकर्रर नहीं की है और न कफारा है। ऐसी सजाएं जिसकी कफारा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नहीं तय किया गया और ना ही जिसकी हद तय की गई है। क्यों नहीं तय किया? क्योंकि वो हालात क्या थे, वो वक्त क्या था, क्यों किया, कितना किया, कैसा किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चोर की एक लिमिट है, उतनी लिमिट में चोरी करेगा तो उसके हाथ काटे जाएंगे, लेकिन उससे कम चोरी किया है तो क्या किया जाए, और उससे कम चोरी ये बार बार भी कर रहा है तो अब ताजीर की जरूरत पड़ेगी। वक्त का काजी उसको सजा देगा। इसी तरीके से किसी ने मर्डर कर दिया, या मर्डर कर दिया तो उसके लिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हद मुकर्रर कर दिया है, कत्ल की सजा कत्ल। लेकिन किसी ने कत्ल तो नहीं किया लेकिन जख्मी कर दिया है, हाथ तोड़ दिया, किसी को हड्डी तोड़ दिया या कुछ ऐसा जख्मी कर दिया, तो अब काजी तय करेगा। यह ताजीर कहलाती है, और हद जो अल्लाह रब्बुल इज्जत तय करता है। इस तरीके से जिना की सजा तो अल्लाह ने तय कर दी, लेकिन किसी ने जिना की कोशिश किया है, सिवाय जिना के उसने सब कुछ किया, कोशिश किया जिना की, वहां तक पहुंचा, तो अब काजी तय करेगा। इसको ताजीर कहते हैं कि इसे कितने कोड़े मारे जाएंगे, क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, उसकी संगीनी को देख करके, उस मर्द की, उस खातून की कैफियत को देख करके, वो सारी चीजों को देख करके वो तय करेगा। इस तरीके से किसी ने किसी को मुनाफिक कह दिया, काफिर कह दिया, अब इसके लिए कोई सजा मुकर्रर नहीं की गई, तो अब काजी तय करेगा। इसको ताजीर कहेंगे। ताजीर में 10 कोड़े से ज्यादा की इजाजत नहीं, तो वहां पर भी सजा की इजाजत भी है इस्लाम के अंदर, कि कितनी इजाजत है, कितनी ये धारा, मतलब जो है कितना सख्त ये कानून एक ताजीर में एक जो है काजी लगा सकता है। तो 10 कोड़े से ज्यादा वो सजा नहीं देता है, और उसके ऊपर से जुर्माना वगैरह भी मुकर्रर वो कर सकता है, उसे जिले से निकाल भी सकता है, और उसे तान तशनी के हवाले कर सकता है कि लोग उसको बुरा भला कहे, लान तान करें, और मारपीट भी वो करवा सकता है। बहरहाल ये है हद, इसको आप नोट कर लें, और ताजीर। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि सूरह नूर के अंदर हम जो भी अहकाम और मसाइल पढ़ने वाले हैं, जो भी अवामिर और नवाही हम पढ़ने वाले हैं, माजरे और अपने घराने, अपने खानदान की फलाह के लिए, उसकी कामयाबी के लिए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आया हुआ नूर है उसको जानने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस सारे अहकाम से हमारे दिल को पुरनूर फरमा दे, उसके अहकाम को सीखने, जैसे अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत पकड़ो। तो इस पूरी आयतों के अंदर एक एक आयत के अंदर जो जो नसीहतें हैं, जो जो सबक हैं, वो सारे सबक हम सीख जाएं, ए खालिक कायनात सारे सबक को हमें सिखा दे, सारी नसीहतों को, सारी वसीयतों को, सारे अहकाम को, सारे अवामिर को, सारे नवाही को, ए अल्लाह हमारे दिल का नूर बना दे, उस नूर के जरिए से हमें चलने वाला बना दे, उस नूर के जरिए से हमें इस दुनिया से रुखसत होने वाला बना दे, उस नूर के जरिए से कब्र में रहने वाला बना दे, उस नूर के जरिए से हश्र के मैदान की के सफर को आसान फरमा दे, उस नूर के जरिए से हमें जन्नत तक पहुंचा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।